IBM SPSS जो है हम सॉफ्टवेयर का जो है ना इंट्रोडक्शन सबसे पहले दे देते हैं। तो सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि इसके कुछ वर्जन होते हैं। जो मैंने यहाँ पर ओपन किया है वो है SPSS 23 वर्जन। ठीक है, इसमें जो 23 वर्जन है इसमें बेसिकली हमारे पास दो विंडोज़ होती हैं। पहला है आपका डाटा व्यू, ये वेरिएबल व्यू है। इसमें आपने सबसे पहले अपने वेरिएबल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराने होते हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स जो हैं, और ये जो है आपका डाटा व्यू है। अब सबसे पहले वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराने के लिए, मतलब आपने जब भी SPSS स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने वेरिएबल को जो है वो इंट्रोड्यूस कराना है। तो वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैं वेरिएबल पे जाती हूँ। वेरिएबल में अगर आप चेक करें तो यहाँ पर कुछ कॉलम्स बने हुए हैं। पहला कॉलम है नेम है, टाइप है, विड्थ है, डेसिमल्स है, लेबल, वैल्यूज़, मिसिंग कॉलम, अलाइनमेंट, मेजर और रूल। इसमें से कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं कि वो बगैर टच किए जो है ना वो काम कर लेंगे, मतलब अगर आप उनको कुछ नहीं भी करेंगे, एज इट इज़ भी रखेंगे तो वो काम चल जाएगा। लेकिन कुछ कॉलम्स में आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी होती है जो आपके वेरिएबल्स की करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। सपोज दैट मैं नेम में ना, सबसे पहले जो मैं नेम में लेती हूँ, मैं आईडी नंबर ले लेती हूँ, ठीक है, या सीरियल नंबर में ले लेती हूँ। सीरियल नंबर जो है वो मेरे पास जो है वो एक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखा कि आपको स्पेस दी है, आपका नेम में कभी भी स्पेस नहीं होती। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो उसने वो क्या कहा है कि वेरिएबल जो है वो इलीगल करेक्टर है। इसका मतलब क्या है कि जब आप नेम में आप कोई वेरिएबल इंटर करेंगे, कोई भी, मैं सीरियल नंबर एक जो है ना वेरिएबल नेम लेने लगी हूँ, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ सीरियल नंबर, सीरियल। अब मैंने अगेन स्पेस दे दी, मैं स्पेस नहीं लूँगी, सीरियल नंबर ऐसे ले लिया। अब जब आप इसको करेंगे तो ये सारा हो जाएगा। आप सीरियल नंबर में, अगर आप चाहते हैं कि सीरियल नंबर जो है वो आपको क्लियर विजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पर आप इसको अंडरस्कोर में दे सकते हैं, सीरियल नंबर, ठीक है। अब ये एरर नहीं देगा, मतलब स्पेस में अगर आप देंगे तो वो फिर एरर दे देगा, अदरवाइज नहीं देगा। अब यहाँ पर आप टाइप में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास टाइप्स आ जाएंगे, वेरिएबल टाइप। वेरिएबल टाइप से क्या मुराद है कि आया आपका डाटा जो है वो न्यूमेरिक है या कॉमा में, डॉट्स में। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें वेरिएबल टाइप में, सिर्फ दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, या तो न्यूमेरिक होती है और या फिर आपका स्ट्रिंग होता है, ठीक है, या ये होता है या आपका न्यूमेरिक होता है। न्यूमेरिक में तो आपको पता है कि डाटा आपका वो होना चाहिए जो क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ होती हैं, जैसे आपका हाइट का डाटा ले लो, आप वेट का डाटा ले लो, जिसमें आपकी वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट हो सकती हैं। और स्ट्रिंग में आपका वो वाला डाटा होता है, जैसे नेम हो गए, आप पेशेंट का नेम ले लें या किसी का भी नेम ले लेते हैं, या सीरियल नंबर की बजाय मैं सीरियल नेम ऑफ द स्टूडेंट्स कर लेती हूँ, उनके एजी नंबर वगैरह ले लेती हूँ, तो वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स के नेम विद एजी नंबर, तो वहाँ पर मैं उस डाटा को स्ट्रिंग लूँगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर सीरियल नंबर है तो मेरा न्यूमेरिक आएगा, तो मैं इसको ओके कर दूँगी, ठीक है। अब विड्थ जो होता है, दैट इज़ द कॉलम विड्थ, ठीक है, यानी ये जो आपकी कॉलम विड्थ है इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको आपने एज इट इज़ रखना है। उसके बाद है डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस से मुराद ये है कि आपका जो डाटा है वो डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स में जाता है। सपोज दैट आप अपना वेट्स लेते हैं, आपका वेट है जो केजीज में वेट आता है 5.99, तो डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स आए, 2 आए। तो अगर आप डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स लेंगे, इसका मतलब है कि हमारे डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए। आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर डाटा। लेकिन चूंकि यहाँ पर मेरा सीरियल नंबर में कोई भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको 0 कर लूँगी, ठीक है। डेसिमल, सीरियल नंबर डेसिमल में नहीं होता ना, 1, 2, 3, 4, 5 की फॉर्म में होता है, तो मैंने इसको 0 कर दिया। लेबल जो है वो लेबल आप इसका एक नाम दे सकते हैं, एक स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं। सपोज दैट लेबल में आप क्या करेंगे, मैं लेती हूँ सीरियल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं यहाँ इसको एक नेम दे दूंगी, सीरियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या डिस्प्ले में क्या चाहते हैं, STU स्टूडेंट्स ले लेती हूँ। अब ये चीज़ें यहाँ पर आप स्पेस भी दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। वैल्यूज़ का मतलब होता है कि कैटेगराइज करना आपका डाटा जो है ना, वैल्यूज़। वैल्यू से क्या मुराद है, जैसे जेंडर की दो वैल्यूज़ होती हैं, मेल और फीमेल। लेकिन यहाँ पर चूंकि कोई वैल्यू नहीं है तो मैं इसको नन कर रही हूँ। मिसिंग, इसको भी आपने नहीं छेड़ना। कॉलम्स, ये भी आपका एज इट इज़ रहेगा। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आप इसकी लेफ्ट अलाइनमेंट करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, सेंटर में, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। आप अपने डाटा की रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट साइड पर चाहते हैं, राइट साइड पर चाहते हैं, लेफ्ट साइड पर चाहते हैं, या सेंटर में चाहते हैं, जो आपकी आउटपुट आएगी, ठीक है। मेजर में आपके पास आ जाएगा अननोन। आप बेसिकली आपका स्केल मेजरमेंट्स होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपका जो मेजरमेंट स्केल है वो कौन कौन से होते हैं। बेसिकली हमारे पास मेजरमेंट स्केल 4 होते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं SPSS की बात करूंगी तो इन्होंने रेशियो और इंटरवल को मिला के एक स्केल बना दिया होता है।
स्केल में बेसिकली हमारे पास जो है वो 4 स्केल्स होते हैं। मेजरमेंट स्केल्स हमारे पास कितने होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन SPSS जो है वो मर्ज करके इंटरवल और रेशियो को मिला के एक स्केल बना देता है, स्केल, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल। अच्छा, स्केल में मैं आपको बता दूं कि इनको डिफाइन कर दूं कि अगर आपका डाटा, पहले मैं ऑर्डिनल का बता दूं कि अगर आपका डाटा ऑर्डिनल में, ऑर्डिनल का मतलब होता है कि आपकी एक ऑर्डर्स बने हुए हैं, जैसे आप माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ठीक है, एक ऑर्डर है ना, तो जो ऑर्डर में डाटा होगा वो ऑर्डिनल होगा, ठीक है। जो नॉमिनल में होगा, नॉमिनल में बेसिकली हमारे पास वो वाला डाटा होता है जिसमें आपके पास कैटेगरीज होती हैं, कैटेगोरिकल डाटा को हम बेसिकली नॉमिनल में रखेंगे और स्केल में आपके पास बाकी जो वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएंगी। इसमें आपने इसको रोल, इसको नहीं छोड़ना, छेड़ना सॉरी, इनपुट में इनपुट ही रहेगा। अब आप देखें मेरा एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट हो गया, दैट इज़ द सीरियल नंबर। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखें कि सीरियल नंबर से जो है वो मेरा एक डाटा जो है वो अरेंज हो चुका। अब यहाँ पर मैं डाटा, मेरे सीरियल नंबर क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अच्छा ये। अब वेरिएबल में, ये मैंने आपको सपोजिंग वेरिएबल दिया, डाटा इंटर करने का तरीका बता रही हूँ। सीरियल नंबर अगर तो आपके रिसर्च में इस्तेमाल हो रहा, आप उसको एज एन वेरिएबल ले रहे हो, और वेरिएबल होता है क्या है, जो पर्सन टू पर्सन जो है, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम चेंज होता है, वो हमारा वेरिएबल होता है। अब यहाँ पर मैं लेती हूँ सीरियल नंबर, मैंने ले लिया। अब मैं लेती, यहाँ पर मैं लेती हूँ जेंडर, जेंडर जो है वो मेरे पास एक सेकेंड वेरिएबल है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, इन चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। जेंडर जो है वो यहाँ पर जो है इसको न्यूमेरिक ही में रखूँगी क्योंकि इसको मैं वैल्यूज़ देने लगी हूँ। जेंडर जो है वो डेसिमल में नहीं होती, इसको मैं यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, देखें ज़ीरो पे आ गया। अब ये जेंडर यहाँ पर भी इसको जेंडर ही रखो, ठीक है। वैल्यूज़ में अब यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यूज़ देनी पड़ेगी। मैं जेंडर में क्या लेना चाह रही हूँ, जेंडर में मैं एक लेना चाह रही हूँ 1, इसको मैं लेबल दूंगी मेल का। अच्छा, डिपेंड है, आप 1 को फीमेल भी कह सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। नाउ 2, यहाँ पर मैंने क्या लिया, फीमेल लिए, फीमेल, और इसको भी मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। नाउ अगर इसके ज़्यादा भी वैल्यूज़ हैं, आप जैसे अगर डिग्रीज़ लेना चाहते हैं तो डिग्रीज़ में आप FSC, BSc, उसको भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं, या माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, अगर आप पेन की इंटेंसिटी को लेना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। मैंने इसको ओके कर दिया। यहाँ पर आप देखें इसको वैल्यूज़ में जो है वो कैटेगराइज कर दिए, मिसिंग नन है, कॉलम एज इट रहेगा, अलाइनमेंट। और यहाँ पर जो आप आएगा इसमें आप क्या करेंगे, नॉमिनल करेंगे, क्योंकि हमने इसको कैटेगराइज में कर दिया था। सो दैट इज़ वाई हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने नॉमिनल में जो है ना वो, इसको मैंने नॉमिनल में कर दिया। अब यहाँ पर मैं सपोज कर रही हूँ जेंडर के बारे में, यहाँ पर लेती हूँ वेट्स ले लेती हूँ या एज ले लेती हूँ, एज जो है वो मैं, एज जो है, अच्छा एज में आपके दो तरीके हैं। एज जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब वेरिएबल में यूज़ हो रहा होता है। एज में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, या तो आप एज को जो है कैटेगराइज कर लो, एज को कैटेगराइज कर लो। कैटेगराइज करने से क्या मुराद है कि आप उस डाटा को बता दें कि मैंने इसको करना है। अब एज को मैंने न्यूमेरिक ही रखा है, इसकी विड्थ भी वही होगी, एज जो है वो डेसिमल में नहीं होती, इसको भी मैं नन में कर लेती हूँ, जीरो पे आ जाएगा। एज में किसकी लूँगी, एज ऑफ द स्टूडेंट्स, एज ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये लेने के बाद वैल्यूज़ में एज ऑफ स्टूडेंट, अब यहाँ आपकी मर्जी है कि आप एज को कैटेगराइज करना चाहते हैं या एज को आप एज इट इज रखना चाहते हैं। एक कैटेगराइज से क्या मुराद है कि मैं एज आप 15 से 20, इसको मैं 1 दे रही हूँ और 15 से 20 कैटेगोरिकल बनाने लगी हूँ, बजाय कि मैं 1 by 1 करके एज शो करूँ, मैं इसको एज को कैटेगराइज करने लगी हूँ। 15 से 20 को मैं रखने लगी हूँ 1 में, ठीक है। इसको मैं इन्वर्टेड कॉमास में मुझे इसको देना होगा, यहाँ पे इसको, ठीक है। वैल्यू में इसको 1 दिया, मैं इसको लेबल में कर दी, 1 को आप दे दिया। इस तरह से आप इसको जितनी मर्जी इसका कैटेगराइज कर लें, 20 to 30, मैं इसको सेकेंड एज ग्रुप बनाने लगी हूँ। ये मैंने इसको ले लिया और मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। चूँकि मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया तो यहाँ पर मैं इसको ले आऊँगी नॉमिनल में,
कैटेगराइज कर दिया ना मैंने उसको। अच्छा ज़रूरी नहीं आप इसको कैटेगराइज करें, आप ना भी कैटेगराइज करें, आप सिंपल उसको लिख लें। अब मैंने चूंकि दो दिए, अब यहाँ पर आपने डाटा आ गया, आपने तीन वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जेंडर को और एज को। यहाँ पर अगर मैं देखूँ मैंने वन और टू दिया है, वन वन टू टू वन टू वन, ठीक है। अब यहाँ पर एज मैंने क्या दिया है, वन 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 टू 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 और ये वन। अब यहाँ पर अगर आप डाटा देखें तो मेरा डाटा आ रहा है वन वन की फॉर्म में, बट मैं चाहती हूँ कि मेरा डाटा जो है वो क्लियर होना चाहिए, इन द सेंस कि मुझे पता होना चाहिए कि मेल है फीमेल है सुबह है, और मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ये एरो का निशान बना, इसको अगर आप करेंगे तो ये देखें मेल है 15 से 20 रेंज दी हुई है, ये भी मेल था 15 से 20, फीमेल है 15 से 20, फीमेल है 20 टू 30। तो यहाँ पर आप देखें जो चीज़ें मैंने वन इस तरह से डाटा अगर आप उसको एज की फॉर्म में बाकायदा लिखेंगे 15 20 15 20, इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। अगर तो आपके अपने डाटा को ज़रूरत है कि आपने उसको डाटा को एज की फॉर्म में ही मतलब इंडिविजुअली डिस्प्ले करना है तो और बात, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका डाटा जो है प्रॉपर फॉर्म में ग्राफिकली प्रेजेंटेशन में शो हो तो फिर आप उसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं। आई थिंक इतने ही ठीक है, बाद में हम नेक्स्ट वेरिएबल जो है ना वो बाद में इंट्रोड्यूस कराएंगे।